ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से खून का थक्का जमने के मामले सामने आने के बाद पिछले एक हफ्ते के अंदर दुनिया के करीब 12 देशों ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी है। सोमवार को आयरलैंड, थाईलैंड जैसे देशों के बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और स्पेन ने भी इसके इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाई है। इससे पहले बुल्गारिया, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने खून के थक्के बनने को लेकर चिंताएं सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर इस टीके पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि भारत में भी कोरोना के इस टीके का निर्माण किया जा रहा है और इसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड नाम से है। फिलहाल भारत में इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स के ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। कंपनी का कहना है कि इस बात की कोई सबूत नहीं है कि इन टीकों के कारण ही रक्त का थक्काकरण हुआ है, जैसा कि कुछ यूरोपीय देशों से रिपोर्ट आई है। देश के कई राज्यों में कोरोना के दोबारा सिर उठाने के बीच दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट से संक्रमित पहला मरीज मिला है। 33 वर्षीय इस मरीज को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि यह कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट से ही संक्रमित हुआ है। अभी इस वेरिएंट के देश भर में सिर्फ 4 मरीज ही हैं। लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीज केरल का रहने वाला है। उन्होंने कहा, 9 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इसे कोविड-19 महामारी से ग्रस्त पाया गया। उसके बाद इसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। सोमवार को रिपोर्ट्स आ गईं, जिसमें उसके साउथ अफ्रीकी वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। भारत में कोरोना के नए मामलों में तेजी बरकरार है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आए हैं और 131 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 20,191 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं। भारत में अब तक कोरोना के 1,14,09,831 पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,23,432 फिलहाल एक्टिव केस हैं। अब तक 1,10,27,543 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं, जबकि 1,58,856 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि कई शहरों में लॉकडाउन तो कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन लगाना पड़ा। इन सबके बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 31 मार्च तक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ही काम करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक मौसम में बदलाव आएगा, जिससे बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 16 मार्च के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान देश में गर्मी की कोई संभावना नहीं है। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 16 मार्च की रात को प्रभावित करने की बहुत संभावना है। इस वजह से 17 और 18 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो आज मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। राजस्थान के विधायकों की फोन टेपिंग मामले में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस पूरे मामले पर सीबीआई से जांच की मांग की है। सामान्य मसला नहीं है, राजस्थान में इस तरीके की खुद स्वीकार कर चुके मुख्यमंत्री जी की परंपरा नहीं है, तो ये परंपरा तोड़ी किसने और परंपरा तोड़ने की वजह क्या थी, और ये वजह यदि जायज है तो मुख्यमंत्री जी खुद इसके दोषी हैं। और हम पहले भी कह चुके थे कि जब ये टेलीफोन टेपिंग की जानकारी आई थी और मीडिया के दौरान इसकी चर्चा हुई,
उस समय कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों ने कहा था कि इसकी एनआईए से जांच करवाई जाए। अब मेरा सीधा सीधा सरकार से एक आग्रह है कि जब इतना संगीन मामला हो गया कि सदन में भी झूठ बोला गया, तथ्यों के साथ भी इस तरीके से भ्रांति फैलाई गई, तो इसको स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जिसके दोषी हैं, जो गृहमंत्री भी हैं, अलबत्ता ये शकसुबा पैदा होता है कि राजस्थान में 2.25 साल से राजस्थान में दूसरा गृहमंत्री क्यों नहीं है। आमतौर पर अभी तक की सरकारों में अल्पकालिक तौर पर बेशक, लेकिन पूरे तौर पर गृहमंत्री काम करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी की नियत में कहीं ना कहीं खोट है, वो इनसिक्योर हैं। लेकिन इनसिक्योर होते हुए वो सदन के समक्ष गुमराह करें, वो झूठ बोलें, तो मुझे लगता है कि नैतिकता तो यही कहती है कि उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी सीबीआई से ठीक तरीके से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कम से कम जिस परंपरा की नहीं होने की राजस्थान में बात कहते हैं, वो परंपराएं राजस्थान में बची और बनी रहें।